नमस्ते, मैं हूं रुद्रशिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खुद नहीं गए, बल्कि अपनी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेजा। कई भाषाओं को जानने वाले एस जयशंकर अलग अलग देशों में भारत के डिप्लोमेट रहे हैं, लेकिन उनके विदेश मंत्री बनने के बाद के कुछ बयानों को जब मैं सुनता हूं, तो ऐसा लगता है जैसे उन्हें अब कूटनीति की भाषा में बात करना पसंद नहीं। वो शायद अब डिप्लोमेटिक तरीके से गोलमोल बात करते करते बोर हो चुके हैं। बेहद सॉफ्ट तरीके से बात करते हुए एस जयशंकर अपनी बातों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखते हैं। कई बार तो वो पश्चिमी देशों की हिपोक्रेसी का उन्हीं की धरती पर जवाब देते हैं। हाल ही में उन्होंने अमेरिका में भी कुछ ऐसा ही किया है। अमेरिका के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कई बार अमेरिका ऐसे काम कर देता है जो भारत के लिए फायदेमंद नहीं होता। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 विमानों के पुर्जे उपलब्ध कराने से जुड़ी एक डील की है। F-16 वही फाइटर जेट है जिसके जरिए पाकिस्तान ने पुलवामा अटैक के बाद हुई एयर स्ट्राइक के जवाब में हमला किया था। अमेरिका और पाकिस्तान के इस डील को लेकर कई बार भारत अपना विरोध जता चुका है, लेकिन हर बार अमेरिका का ये जवाब रहा है कि पाकिस्तान इन विमानों को आतंकवाद से लड़ने के लिए इस्तेमाल करेगा। अमेरिका में जब विदेश मंत्री गए तो वहाँ वह भारतीय समुदाय के लोगों से मिले, तभी उनसे इससे जुड़ा एक सवाल पूछा गया। विदेश मंत्री तो जैसे अमेरिका को खुलकर जवाब देने के लिए इसी मौके की ताक में थे। एस जयशंकर ने पाकिस्तान के आतंकवाद से लड़ने के अमेरिकी तर्क पर कहा, आप ये बातें कहकर किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। हर किसी को पता है कि F-16 का इस्तेमाल किसके खिलाफ होता है। जयशंकर यही नहीं रुके, उन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों पर भी सवाल उठा दिए। जयशंकर ने आगे कहा कि दोनों देशों के बीच ये एक ऐसा रिश्ता है जिससे ना तो पाकिस्तान को बहुत लाभ पहुंचा और ना ही अमेरिका के हितों को फायदा हुआ है। पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को इस तरह के आक्रामक भारत की उम्मीद नहीं होती है। भारत के जवाब से अमेरिका के साथ ही पाकिस्तान को भी मिर्ची लगी। दुनिया में अलग अलग मोर्चों पर भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ऐसे में अमेरिका डैमेज कंट्रोल में लग गया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात की। इस दौरान एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान की चूड़ी कसी और भारत के साथ जिम्मेदारी पूर्ण संबंध के महत्व पर चर्चा की। लेकिन क्या जयशंकर के बयान पर पाकिस्तान का कोई रिएक्शन नहीं आया? आया, बिल्कुल आया। पाकिस्तान ने एक बयान जारी कर कहा, भारत से अमेरिका तथा पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर टिप्पणी करने से परहेज करने का आग्रह किया जाता है। अमेरिका ने भारत को मनाने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर का अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन में भव्य स्वागत किया। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन उनके स्वागत के दौरान खुद मौजूद रहे। पेंटागन में इस तरह का स्वागत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अमेरिका के कई हाई रैंकिंग अधिकारियों को भी वहां सीधे एंट्री नहीं है। विदेश मंत्री ने अपनी यात्रा के अंत में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान जयशंकर ने महंगे ईंधन का मुद्दा उठाया और कहा कि ईंधन का मार्केट हद से ज्यादा महंगा है, ईंधन भारत की कमर तोड़ रहा है, विकासशील देशों के लिए महंगा ईंधन एक चिंता है। वहीं एंटनी ब्लिंकन से जब F-16 और पाकिस्तान को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि अमेरिका जब हथियार बेचता है तो उसका मेंटेनेंस भी अमेरिका की जिम्मेदारी है। 1 से 10 नंबर के बीच ये यात्रा कितनी सक्सेसफुल रही है, हमें कमेंट में जरूर बताइए।